Hello everyone, I welcome you all on your own very favorite channel of New Light Neat. So today we are going to discuss the silly mistakes which are attempted by maximum number of students in our All India Full-Length Test which was held on 1st of April. तो इसका पहला क्वेश्चन 153rd, ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने गलत किया है ये 209 है. ये पहला टेस्ट था जो फ्री था टोटली और इसमें करीब 1000 स्टूडेंट्स पहले टेस्ट में ही अपियर हुए थे. तो उन सभी स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से हार्ट फेल्ट थैंक्स इस टेस्ट सीरीज को सक्सेसफुल बनाने के लिए. अब आइए देखते हैं कि क्या क्या गलतियां थी और क्यों हो गई. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ रीनल पिरामिड. तो इसमें पूछा गया था रीनल पिरामिड का जो पार्ट नहीं है. तो रीनल पिरामिड क्या है? रीनल पिरामिड इज ए कॉनिकल मास ऑफ मेडुला. किडनी में दो पार्ट्स होते हैं, बाहर पेरिफेरल जो होगा वो कॉर्टेक्स और जो अंदर की तरफ होता है इसे मेडुला कहते हैं. और मेडुला में भी जो कॉनिकल पोर्शंस हैं इनको बोला जाता है रीनल पिरामिड. दीज आर रीनल पिरामिड. ये फिर यहाँ पर माइनर कैलिक्स होगा, माइनर कैलिक्स फिर मिलकर के मेजर कैलिक्स इस तरह से, और मेजर कैलिक्स फिर खुलेगा पेल्विस में, और ये फिर यूरेटर इस तरह से, ये पूरा स्ट्रक्चर होता है. तो ये जो मेडुला है और ये पेरिफेरल में जो है दिस इज कॉर्टेक्स. तो रीनल ट्यूब्यूल्स का जो अरेंजमेंट है, अगर ये कॉर्टेक्स और मेडुला दो पार्ट में डिवाइड कर दिया जाए इसको, तो बोमेंस कैप्सूल और ये प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ये कॉर्टेक्स में, फिर इसके बाद ये वाला पोर्शन ये मेडुला में, और ये डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कॉर्टिकल नेफ्रॉन और जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन दो तरीके के नेफ्रॉन्स हैं. और इसमें भी जो जक्स्टा मेडुलरी है उसमें लूप ऑफ हेनले वगैरह नीचे होगा, कॉर्टेक्स में कलेक्टिंग डक्ट अंदर आएगी, ये लूप ऑफ हेनले कॉर्टेक्स में. इसके अलावा जो पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज होंगी, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज क्या है, जो ग्लोमेरुलस है, ग्लोमेरुलस से जो इफ्रेंट आर्टेरियोल निकलता है, इफ्रेंट आर्टेरियोल का ल्यूमेन जो होगा नैरो होगा एज कंपेयर टू अफ्रेंट आर्टेरियोल प्रेशर डेवलप के लिए. और यहां पर ये जो पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क होगा ये इतना पोर्शन जो होगा ये कॉर्टेक्स में होगा, बाकी कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स ग्लोमेरुलस बोमेंस ये दोनों मिलकर के बनाते हैं रीनल कार्पस्कल, ये सारा पोर्शन जो होगा ये कॉर्टेक्स में होगा. तो यहाँ पे कॉर्टेक्स का जो पोर्शन दिया हुआ है ऑप्शंस में ये कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स दिया हुआ है. कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स चाहे प्रॉक्सिमल हो या डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड हो ये पूरे का पूरा कॉर्टेक्स में, और पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज कलेक्टिंग डक्ट्स और लूप ऑफ हेनले पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क और ये लूप ऑफ हेनले और कलेक्टिंग डक्ट ये सारा मेडुला में होगा. तो यहाँ पे रीनल मेड पिरामिड में पूछा गया था, रीनल पिरामिड इज नथिंग बट कॉनिकल मास. मेडुला कॉनिकल मास होगा ये. तो इसमें जो प्रेजेंट है ये बाकी के स्ट्रक्चर्स हैं. तो यहां पर कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स वाज द आंसर सेकंड, और ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विच अटेम्प्टेड इट रॉन्ग वर 209. सो नाउ वी मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 138. दिस वाज आल्सो अटेम्प्टेड रॉन्ग बाय 164 स्टूडेंट्स. आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या था. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया था. इंफीरियर ओवरी कंटेनिंग फ्लावर्स हैव स्टैमेन अटैच्ड बिलो द ओवरी लेवल. तो ओवरी लेवल अगर इन्फीरियर ओवरी की बात हो रही है, इन्फीरियर ओवरी का मतलब हुआ ओवरी नीचे है, तो ओवरी जब नीचे होगी तो बाकी जो फ्लोरल पार्ट्स होंगे वो ओवरी के ऊपर होने चाहिए, चाहे वो स्टामेन हो चाहे कैलेक्स हो चाहे वो करोला हो. तो यहाँ पर स्टामेन का पूछा हुआ, तो स्टामेन अटैचेस बिलो द ओवरी लेवल, तो बिलो नहीं है अबव द ओवरी लेवल होना चाहिए था. और इन्फीरियर ओवरी के एग्जाम्पल्स क्या क्या है, गुआवा कुकुम्बर और रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर. सनफ्लावर में दो तरीके के फ्लोरेट्स हैं, डिस्क फ्लोरेट्स और रे फ्लोरेट्स. तो रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर ये सारे में एग्जांपल्स हैं आपके इंफीरियर ओवरी के जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं. तो पहला ऑप्शन ये हमारा गलत हो गया बिलो वर्ड की वजह से. फिर मेंबर्स ऑफ सोलेनेसी आर नॉन एंडोस्पर्मस. ये नॉन एंडोस्पर्मस नहीं, दीज आर एंडोस्पर्मस. तो यहां पर ये भी गलत हो गया सेकंड ऑप्शन भी.
मेंबर्स ऑफ सोलेनेसी मे नॉट हैव स्टिप्यूल, तो ये सही है, यहाँ पर एक्स स्टिप्यूलेट होते हैं ये सोलेनेसी के मेंबर्स, एक्स स्टिप्यूलेट इनको इसलिए बोलते हैं क्योंकि स्टिप्यूल्स एब्सेंट होते हैं, और स्टिप्यूल्स क्या है, स्टिप्यूल्स जो होते हैं ये लीफ बेस पर अटैच्ड होते हैं, जैसे ये लीफ है तो इसका ये जो लीफ बेस है इस पर स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं दोनों तरफ, इसी को बोलते हैं स्टिप्यूल्स, तो स्टिप्यूल्स आर लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट एट द लीफ बेस, तो ये इसमें एब्सेंट होते हैं इस वजह से इसको एक्स स्टिप्यूलेट बोला जाएगा, ये स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है। थर्ड, फोर्थ क्यों गलत है, एडेशन मे बी इंडिकेटेड बाय लाइन ड्रॉन बिलो सिंबल्स, तो ये बिलो नहीं है अबव द सिंबल्स होता है, ठीक है, कैलेक्स करोला एंड्रोशियम गायनोशियम, तो जैसे लिलियसी फैमिली में कैलेक्स और करोला में कोई डिफरेंस नहीं होता तो उसको पेरियंथ बोलते हैं, और एंड्रोशियम जो है वो अटैच्ड होता है पेरियंथ से, इपिफिलस कंडीशन होती है, तो ये अबव द होना चाहिए था, इस वजह से ये भी गलत हो गया, तो यहाँ पर थर्ड आंसर जो है ये करेक्ट है हमारा। नाउ वी सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 118 एंड दिस वॉज अटेम्प्टेड रॉन्ग बाई 163 स्टूडेंट्स, हाउ मेनी मैचिंग्स आर इनकरेक्ट, कितनी मैचिंग्स इनकरेक्ट हैं विद रेफरेंस टू एवरेज कंपोजिशन ऑफ सेल्स, तो एवरेज कंपोजिशन ऑफ सेल का कंपोजिशन पूछा गया है जो बायोमोलिक्यूल्स वाले चैप्टर में दिया हुआ है, और एवरेज कंपोजिशन ऑफ सेल्स में वाटर जो है ये 70-90% है, दिस इज 70-90%, लिपिड्स इज 2%, ये 5-7%, और ये 3% कार्बोहाइड्रेट्स, तो ये चारों ही यहां पर गलत मैचिंग्स दे रखी हैं, 70-90% भी नहीं है, 2% भी नहीं है, 5-7% भी नहीं है, 3% भी नहीं है, तो टोटल 4 मैचिंग्स आर इनकरेक्ट, तो यहां पर करेक्ट आंसर होगा हमारा फर्स्ट, क्योंकि चार ऑप्शन यहां पर गलत है, और जिसको इसका सीक्वेंस याद रखने में दिक्कत हो उनके लिए निमोनिक याद कर लें इसका, हाइड्रो पावर न्यूक्लियाई, तो हाइड्रो से हो गया वाटर, वाटर हो गया हमारा 70-90%, पावर से हो गया प्रोटीन, पावर इज फॉर प्रोटीन 10-15%, न्यूक्लियाई 5-7%, न्यूक्लिक एसिड हो गया न्यूक्लियाई से न्यूक्लिक एसिड, सी से कार्बोहाइड्रेट ये 3%, लिपिड्स एल से लिपिड्स ये 2%, और आयंस 1%, तो ये इंपॉर्टेंट है बायोमॉलिक्यूल्स में, ये चार्ट दिया हुआ है तो इसका ये निमोनिक है। नाउ वी सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 147, द कंप्लीट कंबशन ऑफ ग्लूकोज विच प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एज एंड प्रोडक्ट, द सम टोटल ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स, तो टोटल रिएक्टेंट्स जो रिएक्ट कर रहे हैं और प्रोडक्ट जो बना है उसका सम टोटल कितने मॉलिक्यूल्स इसके यूज हुए हैं, तो ये सिंपल सी इक्वेशन है जो हमारे एनसीईआरटी में दी हुई है, C6H12O6 प्लस 6O2 ग्लूकोज और ऑक्सीजन, और ये प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करेंगे 6O2 प्लस 6H2O प्लस एनर्जी विल बी रिलीज्ड, तो यहाँ पर जो टोटल प्रोडक्ट्स फॉर्म होंगे वो 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन प्लस 6 ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6 ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, तो टोटल हो गए यहां पर ये 19 मॉलिक्यूल्स, तो करेक्ट आंसर होगा हमारा थर्ड 19, और ये टोटल जितने बच्चों ने गलत किया था 114 स्टूडेंट्स अटेम्प्टेड इट रॉन्ग, तो ये सिंपल सा इक्वेशन था, इसमें ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ क्वेश्चन में जो पूछा गया उस पर ध्यान देना था। फिर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पी इन पीबीआर 322, तो ये आर्टिफिशियल बैक्टर है और पी इज फॉर प्लाज्मिड, प्लाज्मिड क्या है, दिस इज ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग सर्कुलर स्ट्रक्चर है, ये सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड और एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल, जो क्रोमोसोम होता है उसके अलावा ये जेनेटिक मटेरियल है, तो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल,
तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन में ये दिया हुआ है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, तो ये आंसर हमारा यहाँ पर करेक्ट होना चाहिए था। स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया, स्पीसीज ऑफ बैक्टीरिया, स्पेशल प्रोटीन, इन सब से कुछ लेना देना नहीं है। और बी एंड आर, दिस स्टैंड्स फॉर द साइंटिस्ट जिन्होंने इसको बनाया था, तो ये बोलिवर एंड रॉड्रिग्स, ये साइंटिस्ट का नाम है बोलिवर एंड रॉड्रिग्स, ये साइंटिस्ट है। और 322 जो इनको नंबर दिया गया था, दिस वॉज टू डिस्टिंग्विश फ्रॉम अदर वेक्टर्स जो इन्होंने तैयार किए थे, उनसे इसको डिस्टिंग्विश करने के लिए, उससे अलग करने के लिए इसको ये नंबर इन्होंने असाइन किया था। तो ये टोटल स्टूडेंट्स इन्होंने गलत किया वो 105। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 142, विच इज करेक्ट फॉर मियोसिस, मियोसिस के संबंध में क्या सही है, मेंटेनेंस ऑफ कॉन्स्टेंट क्रोमोजोम नंबर इन पर्टिकुलर स्पीसीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन। तो मियोसिस का पर्पस क्या होता है, मियोसिस फर्स्ट में क्रोमोजोम नंबर हाफ हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाता है, मैं पता है अगर 46 हैं तो गैमेट्स में 23 और 23, और मेल और फीमेल गैमेट्स जब फ्यूज होंगे तो वापस से 46 हो जाएगा। तो जनरेशन आफ्टर जनरेशन कॉन्स्टेंट नंबर ऑफ क्रोमोजोम विल बी मेंटेन विद द हेल्प ऑफ मियोसिस, तो ये इसका करेक्ट आंसर यही है। इट इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरिएशन, ये गलत है, ये रिस्पॉन्सिबल है वेरिएशन के लिए, क्योंकि मियोसिस में क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होती है जिसकी वजह से जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होगा और क्रोमोसोम का इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ये जो मियोसिस में होंगे इसकी वजह से ये वेरिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। प्रोड्यूस फोर डॉटर सेल्स विद डिप्लॉयड क्रोमोसोम, डिप्लॉयड क्रोमोसोम्स नहीं होंगे ये, हैप्लॉयड होंगे, क्योंकि मियोसिस वन के बाद जब दो सेल्स बनती हैं और मियोसिस टू के बाद उन दो से जब और दो बनेगी तो चार, ये पहली मियोसिस वन, ये रिडक्शन डिवीजन होता है, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएंगे, इससे दो सेल बनी, और इसके बाद फिर जब मियोसिस टू होगी तो ये सेल भी तो डिवाइड होंगी दो, तो टोटल चार सेल्स बनती हैं और इन चार सेल्स में क्रोमोसोम नंबर जो होगा वो हाफ हो जाएगा, तो ये हैप्लॉयड होती हैं चारों की चारों सेल्स, तो ये डिप्लॉयड नहीं हैप्लॉयड होगा। एंड मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट, ये गलत हो गया क्योंकि ओनली वन ऑप्शन इज करेक्ट, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होना चाहिए था हमारा फर्स्ट। और ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 104 अटेम्प्टेड इट रॉन्ग। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 161 में क्या पूछा गया, विद विच एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन इन ह्यूमंस हेल्प इन द आरबीसी फॉर्मेशन ऑफ द एम्ब्रियो इनसाइड द यूट्रस। तो इनसाइड द यूट्रस जो आरबीसी का जो फॉर्मेशन होगा वो यॉर्क सैक में अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में, ये हीमोपोएटिक ऑर्गन की तरह काम करता है अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज, हीमोपोएटिक ऑर्गन, हीमोपोएटिक का मतलब आरबीसी का फॉर्मेशन, प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी, और एम्नियॉन जो है ये डेसिकेशन के प्रिवेंट करेगा, प्रिवेंट्स डेसिकेशन एंड विल एक्ट एज शॉक एब्जॉर्बर, प्रिवेंट्स डेसिकेशन एंड शॉक एब्जॉर्बर। इसी तरह से कोरियन जो होगा ये प्लेसेंटा के फॉर्मेशन में हेल्प करेगा, हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा, और एलेंटोइस जो होगा ये ब्लड वेसल्स प्रोवाइड करेगा, प्रोड्यूस ब्लड, प्रोवाइड ब्लड वेसल्स टू द प्लेसेंटा, और जिनमें ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होंगी उन्हें एम्नियोटिक, और जिनमें नहीं एक्स्ट्रा वो एनएम्नियोटिक। क्वेश्चन नंबर 128, डीएनए रेप्लिकेट सेमी कंजर्वेटिवली, सेमी कंजर्वेटिवली का मतलब क्या हुआ कि डीएनए में दो स्ट्रैंड्स होते हैं, तो जब ये रेप्लिकेट करेगा तो एक पेरेंटल इसमें बना रहेगा, जैसे अगर ये है और रेप्लिकेट करे तो जो नया स्ट्रैंड बनेगा एक ही नया स्ट्रैंड बना, लेकिन एक पेरेंटल स्ट्रैंड बना रहेगा, ये पेरेंटल, ये पेरेंटल, और ये वाला क्या है, ये न्यू स्ट्रैंड है, तो ये तरह का जो रेप्लिकेशन हुआ सेमी कंजर्वेटिव, सेमी मींस हाफ, कंजर्वेटिव मींस कंजर्व करना,
तो यहाँ पर संरक्षित हुआ है, पुराना स्टैंड संरक्षित है, तो सेमी कंजर्वेटिव। और विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट परफॉर्म्ड, तो मैथ्यू मिशेलसन एंड फ्रैंकलिन स्टाल, ये दो साइंटिस्ट थे, मैथ्यू मिशेलसन एंड फ्रैंकलिन स्टाल, इन्होंने इसको प्रूव किया था। और इन्होंने ई कोलाई ऑर्गेनिज्म यूज किया था और हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन N15 वाज यूज्ड। और दूसरे साइंटिस्ट जो थे वो टेलर थे, ए एंड ई। टेलर ने क्या किया था, इन्होंने विसिया फेबा पर वर्क किया था, विसिया फेबा, फेबा बीन्स। और ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है कि रेडियो एक्टिव थायमिडीन इसमें यूज की गई थी, रेडियो एक्टिव थायमिडीन। और इन्होंने क्रोमोसोम में डीएनए का रेप्लिकेशन जो है वो भी सेमी कंजर्वेटिवली होता है, ये प्रूव किया था। तो मैथ्यू मिशेलसन एंड फ्रैंकलिन स्टाल वर द टू साइंटिस्ट हु प्रूव दिस सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। तो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए था सेकेंड। और बाकी जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, शेरमार्क, इन्होंने रीडिस्कवरी की थी मेंडल के वर्क की, एंड ही वाज फ्रॉम ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया से थे ये। रेगिनेल्ड सी पनेट, इन्होंने पनेट स्क्वायर डिवाइस किया था, और पनेट स्क्वायर का पर्पस क्या था, ये टू कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी ऑफ जीनोटाइप्स, कितने जीनोटाइप्स किस टाइप के बनेंगे उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी उसको कैलकुलेट करने के लिए ये मेथड इन्होंने डिवाइस किया था। एंड मार्था चेज, अल्फ्रेड हर्शे एंड मार्था चेज, इन्होंने अनइक्विवोकल प्रूफ दिया था दैट डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल। अनइक्विवोकल का मतलब हुआ कि ये निर्विवाद रूप से इन्होंने प्रूफ कर दिया था, इसके बाद कोई डिस्प्यूट नहीं रह गई थी दैट डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल। तो ये थे हमारे साइंटिस्ट और ये उनके कंट्रीब्यूशन। तो यहां पर करेक्ट आंसर होना चाहिए था सेकंड, 128 का। और ये टोटल स्टूडेंट्स जिन्होंने गलत किया वो थे 95। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 163। और 163 में पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो जहां पर ये करेक्ट और इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा जाए तो सबसे पहले करेक्ट और इनकरेक्ट को हाईलाइट कर लो, क्योंकि कई बार हमें क्वेश्चन का आंसर पता होता है बट करेक्ट और इनकरेक्ट में टिक करते वक्त गलती हो जाती है। तो पहले ही दिमाग में ये चीज हाईलाइट हो जानी चाहिए कि करेक्ट स्टेटमेंट टिक करना है। तो यहाँ पे ऑर्किड्स फ्रूट कंटेन वेरी स्मॉल नंबर, ओरोबैंकी वेरी स्मॉल नंबर, और स्ट्राइगा फ्रूट्स कंटेन वेरी लार्ज नंबर। तो यहाँ पे कैच यहीं पे ही है, ऑर्किड्स, ओरोबैंकी एंड स्ट्राइगा, ये तीनों ही एग्जाम्पल हैं लार्ज नंबर ऑफ सीड्स के। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा सिर्फ स्ट्राइगा, बाकी ये दोनों गलत हो गए क्योंकि यहाँ पे स्मॉल नंबर दिया हुआ है। तो ये था, 94 स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन को गलत कर दिया था। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 168। यहां पर दिया हुआ है इफ डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स आर हाई, मतलब उनके बीच का डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, सपोज एक ये इस एंड पे है और एक इस एंड पे है, एर लूजली लिंक, तो ये लूजली लिंक डी होंगे, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट, आर नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं होगा। तो लिंकेज बिटवीन दीज जीन्स आर लो, लिंकेज बिटवीन दीज जीन्स आर लो, तो लिंकेज वाकई में इसमें लो होगा क्योंकि यहां पर डिस्टेंस ज्यादा है, तो डिस्टेंस इतना ज्यादा होगा लिंकेज उतना ही कम होगा, बॉन्डिंग उतनी ही स्ट्रांग होगी जितना डिस्टेंस कम होगा, जितनी जीन्स पास पास होंगी। रिकॉम्बिनेशन बिटवीन दीज जीन्स आर हाई, अब यहां पर रिकॉम्बिनेशन के चांसेस बढ़ जाएंगे क्योंकि क्रॉसिंग ओवर कहीं से भी हो सकता है, चांसेस हैं, तो रिकॉम्बिनेशन, रिकॉम्बिनेंट्स ज्यादा प्रोड्यूस होंगे अगर दो जीन्स के बीच का डिस्टेंस ज्यादा है। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, परसेंटेज ऑफ क्रॉसिंग ओवर एंड मैप यूनिट आर हाई, मैप यूनिट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स, तो ये भी करेक्ट है, हाई होगा, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, और परसेंटेज ऑफ क्रॉसिंग ओवर हाई करेक्ट है ये,
बट मैप यूनिट्स आर लो, ये गलत हो गया, क्योंकि मैप यूनिट्स यहां पे लो कैसे होंगे, मैप यूनिट्स तो ज्यादा होंगे। तो यहां पर करेक्ट आंसर होगा हमारा फोर्थ, बाकी आंसर्स यहां पर करेक्ट थे, ये आंसर हमारा इनकरेक्ट हुआ। तो ये थे हमारे सिली मिस्टेक्स जो फुल लेंथ टेस्ट सीरीज में हुए थे। तो आई होप आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा होगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ ग्रेट डे।